नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे से स्वागत करती हूँ। बिमला वाटिका हम लोग का ये नर्सरी है। नर्सरी हम लोग 2002 से ही बनाया है। सब किस्म का पेड़ पौधे का काम, सीजनल का काम चल रहा है। सीजनल भी और परमानेंट प्लांट भी। फूल सब का काम चल रहा है। के लिए बहुत से लोग बहुत किस्म का खाद डालते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ गर्म मुल्क है, ठंडा मुल्क नहीं है। गुलाब जो है ठंडा मुल्क का ही चीज़ है, इसलिए जानबूझकर वो गर्म केमिकल देना नहीं चाहिए। बहुत से बहुत है तो सरसों का खली दीजिए, जो पौधा को ठंडा रखता है, और उसमें बहुत कम मात्रा में DAP डाई एमोनियम फास्फेट भी दे सकते हैं। यानी इसके लिए उपयुक्त सरसों का खली डस्ट ही अच्छा है। सब्जी जो वेजिटेबल है उसमें क्या खाद दें? वेजिटेबल ऐसे खाने का चीज़ है, इसमें आप फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो अच्छा है। इसमें वो देसी खाद, वर्मी खाद जिसको बोलते हैं, वर्मी जैविक खाद ये दीजिएगा, सबसे उत्तम होगा। वही रहेगा स्वास्थ्य के लिए भी, पौधा के लिए भी। पौधा किसी भी पौधा में आप वो जैविक खाद दीजिएगा, सबसे सुंदर होगा। क्या आपके यहाँ खाद भी मिलता है? जी हाँ, हम लोग अपने बनाते हैं जैविक खाद, और वही दो चार किलो हम लोग बहुत आयत में देते नहीं है। जो आते हैं दो चार किलो हम लोग उनको देते भी। नींबू में, बेल में, इस समय जो कीड़ा लगता है तो उसको क्या करें? बहुत कीड़ा लग जाता है। नींबू और बेल इसीलिए बोना रह जाता है कि जब भी उसमें नई नई पत्तियाँ आती है उसमें कीड़े चट जाते हैं, इसलिए पौधा जल्दी बढ़ता नहीं है। तो इसको बीच बीच में कभी कभी, खास करके जब पत्तियाँ निकालना शुरू हो उस समय कोई कीटनाशक जरूर देना चाहिए। और कोई कीटनाशक में जो लिक्विड वगैरह है ये ज़्यादा होने से पेड़ को जला देता है, कम होने से काम नहीं करता है। इसीलिए हमारे उपयोग में हम उसको जहाँ तक जांचे परखे हैं कि ये जो दीमक मारने वाला गैमेक्सिन पाउडर है, इसका अगर छिड़काव करें सूखा हुआ तो ये बहुत अच्छा काम करता है। पतला कपड़ा में पोटली बना दीजिए, उसको बीच बीच में ऐसे झाड़ दीजिए, फिर पोटली रख दीजिए, फिर कभी झाड़ दीजिए, ये सबसे उत्तम होगा। ज़्यादा होने से भी नुकसान नहीं होगा और कम होने से भी नुकसान नहीं होगा। गैमेक्सिन पाउडर अच्छा, तो अच्छी बात है, हमको भी पता चला। ये सबसे सुंदर आम में रंगते हैं, जैसे चूना हो गया उसमें गैमेक्सिन पाउडर मिला करके उसको पोचारा करने से उसमें दीमक चढ़ते नहीं है, बस इसीलिए उसको रंगाया जाता है। और नींबू में कैल्शियम के लिए चूना दिया जाता है। नींबू पौधा हो गया, बहुत लोग कहते हैं काट देते हैं फल नहीं हुआ, लेकिन हम इसमें सहमत नहीं है। उसको चूना दीजिए, कैल्शियम दीजिए, बीच बीच में 15-2 महीना भर में कैल्शियम दीजिए, वो ज़रूर फलेगा। उसका एक ही वो दवा है वो कैल्शियम। उसके बाद लोग हड्डी चूर देते हैं, तो चूना बीच बीच में देते जाइए, वो नींबू बहुत सुंदर फलेगा। ठीक है, आपसे बहुत कुछ जानकारी मिली, फिर दोबारा आएंगे तो फिर आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो मैं चलती हूँ, आप लोग भी अपना देख लें कि आपका प्रश्न आज इसमें आया है या नहीं आया है, चेक कर लें।